नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए फिर से बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई सात खबरें। इन खबरों को बताने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबाइए बेल आइकन को भी ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले, और इस वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के बेसिक शिक्षा समाचार। इनसे सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में। इस भर्ती में जो शासनादेश जारी किया था उसमें संशोधन करते हुए सरकार ने 33% परसेंट जारी करने का एक और शासनादेश जारी किया था, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने कह दिया कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद कोई भी इसमें परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए रिजल्ट 40 से 45% पर जारी किया गया। लेकिन उसी 9 जनवरी के शासनादेश में यह भी स्पष्ट था कि परीक्षा पूर्ण होने के बाद किसी भी तरह के मूल्यांकन के लिए, पुनः मूल्यांकन के लिए, उसमें आकलन के लिए कोई भी पत्राचार या आवेदन नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अब अभी कोर्ट ने जबकि ऐसा आदेश नहीं किया है, लेकिन सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम पुनः मूल्यांकन करेंगे, यानी अपने जियो के अगेंस्ट जाके फिर से वो एक बार जियो में परिवर्तन करते हुए ये अपने एक आदेश जारी करेंगे जिसमें कॉपियों का पुनः मूल्यांकन होगा। लेकिन इस बात को इस तथ्य तौर पर इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी तक पीएनपी के सचिव ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है कि हमें शासन से ऐसा कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कॉपियों का पुनः मूल्यांकन का कार्य शुरू किया जाए। इसलिए अभी इस पर जो है स्थिति दस की तस बनी हुई है। लेकिन कोर्ट में वकील ने यही कहा था कि हम इन गड़बड़ियों की जांच करेंगे, जो भी गड़बड़ियां निकल रही हैं पुनः मूल्यांकन करेंगे और उनका रिजल्ट संशोधित करके फिर से जारी करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें सरकार अब आगे का बाद आदेश जारी करती है और पुनः मूल्यांकन को लेकर क्या निर्णय लेती है। इसके बाद हम दूसरी खबर में आपको बताना चाहेंगे जो अलीगढ़ ज़िले से है। अलीगढ़ ज़िले में 8 करोड़ रुपये लगभग सरकारी स्कूलों के लिए भेजे गए हैं। इन 8 करोड़ रुपए से सरकारी स्कूलों में स्वच्छता संबंधित ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जाएगा। ये 8,14,000 रुपए भेजे गए हैं अभियान, इसमें स्वच्छता अभियान के लिए। इसमें दरी, टाट पट्टी, रंग रोगन, फर्नीचर आदि का सामान का व्यवस्था की जाएगी और परिषदीय विद्यालयों को और भी बेहतर बनाने का तरीके के लिए इन धन का व्यय किया जाएगा। ये धनराशि प्राप्त हुई है जिला विशेष शिक्षा कार्यालय में। और इसके अतिरिक्त हम तीसरी आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो भी अलीगढ़ ज़िले से है कि अलीगढ़ ज़िले में 24 मशीनें आधार कार्ड बनाने के लिए अलीगढ़ विशेष शिक्षा कार्यालय पर पहुंच चुकी हैं। इन 14 मशीनों से 24 मशीनें से 6 से 14 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा जो कि स्कूल में नामांकित हैं, यानी हर वो बच्चा जो परिषदी है, यानी जूनियर स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल और प्राइवेट स्कूल में नामांकित है 6 से 14 वर्ष का, हर उस बच्चे का आधार कार्ड अब बेसिक शिक्षा कार्यालय की मशीनों द्वारा बनाया जाएगा। ये मशीनें हर ब्लॉक में लगाई जाएंगी और एक ब्लॉक में 2 मशीनें लगाई जाएंगी। उन 2 मशीनों से वहाँ के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए की एक कीमत वाली मशीन की 24 मशीनें लगाई जाएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हम चौथी खबर आपको बताते हैं कि शिक्षकों को BLU ड्यूटी से थोड़ा सा बचाव हाई कोर्ट ने कर दिया है। हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है इसमें शिक्षकों को BLU ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हम उसको आपको बताते हैं विस्तार से कि हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है वो फिलहाल याचियों के लिए किया है। याची शिक्षक जिन्होंने ये केस दाखिल किया है उनको ही ये लाभ मिलेगा। और जस्टिस इरशाद अली जी ने ये जजमेंट दिया है कि शिक्षकों की BLU ड्यूटी में न लगाई जाए क्योंकि RTE के नियम के अनुसार किसी भी शिक्षक को गैर सरकारी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। RTE की धारा 27 के तहत ये इन्होंने आदेश दिया है रचना पांडे एवं अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए। लेकिन उनका ये कहना भी है कि जनगणना, आपदा राहत कार्य, नगर पालिका व विधानसभा लोकसभा के चुनाव संबंधित कार्यों में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है।
तो बीएलओ कार्य चुनाव से संबंधित आता है, फिर क्यों इनको रोकने की आदेश दे दिया गया है? तो इसका उत्तर स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि अभी तक चुनाव की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए जो है फिलहाल इस संबंध में सरकार से 3 हफ्ते का समय लेते हुए इसके जो सारे प्रमाण हैं वो उन्होंने को कोर्ट में देने के लिए कहा है कि अपना जवाब दाखिल करें कि 3 सप्ताह के अंदर, और जब वो सप्ताह में जब जवाब दाखिल हो जाएगा तो 2 सप्ताह का समय देगी कोर्ट शिक्षकों को उसका प्रत्युत्तर देने के, यानी कुल मिला के 5 सप्ताह यानी लगभग 1.5 महीने के आसपास ऐसे ही कोर्ट में गुजर जाएगा। 1-2 तारीख और लग जाएगी तो एक महीना और गुजर जाएगा, सो ही बीएलओ का कार्य ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में शायद आचार संहिता लग जाएगी। इसके अतिरिक्त हम शिक्षा संबंधित 5वीं खबर आपको बताना चाहेंगे कि अलीगढ़ ज़िले में ही बेसिक के जी शिक्षा राज्य मंत्री जी माननीय श्री संदीप सिंह जी हैं, उनका गांव पैतृक गांव है मड़ौली, उसी मड़ौली गांव में प्राथमिक विद्यालय मॉडल प्राइमरी पर स्कूल चलता है, जिसमें MDM की शिकायत पर बच्चों ने जो है अधिकारियों से शिकायत की है MDM से संबंधित। यहाँ जब वहाँ पर SDM साहब और चेयरमैन साहब किसी संबंध में वहाँ पहुँचे तो वहाँ बच्चों ने उनसे शिकायत की और इस संबंध में बताया कि वहाँ MDM बिल्कुल भी ठीक नहीं बन रहा है, खाना बिल्कुल सही नहीं बना है। इस संबंध में जब अध्यापकों से जांच पड़ताल की गई अधिकारियों द्वारा तो उन्होंने कहा कि सर हम इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ MDM का भोजन NGO संस्था देती है, NGO संस्था जैसा खाना बेचती है हमें वैसा बच्चों को देना पड़ता है। तो इस संबंध में SDM साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इस बात को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि जब एक VIP गांव में ये MDM की ये हालत है तो अन्य गांव में क्या हालत होगी। तो हमें NGO को इसका जवाब मांगते हुए उनको जवाब देते मांगते हुए कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी देंगे, अगर जवाब संतुष्ट नहीं होता है तो हम उनका टेंडर भी निरस्त कराने की मांग उच्च अधिकारियों से करेंगे, यानी कि NGO की मनमानी कि वो जैसा भोजन भेजेंगे वैसा बच्चे खाएंगे ये नहीं चलेगी, अध्यापकों ने स्पष्ट तौर पर इस पर SDM साहब से शिकायत की है। तो उन्होंने इस पर बिल्कुल राहत दी है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम आपको 6वीं खबर अब आपको बताना चाहेंगे कि अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि 23 सितंबर 2018 को अलीगढ़ में बूथ दिवस मनाया जाएगा, और इस बूथ दिवस पर सभी BLO को उनके बूथ स्थल पर अनिवार्य रूप से सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक एकत्र होकर फॉर्म के संबंधित काम करना है, और इस स्थिति में सभी विद्यालयों का निरीक्षण भी किया जाना है। कुछ विद्यालयों का निरीक्षण भी ये साहब स्वयं करेंगे कि वो बूथ खुला हुआ है या नहीं, तो जिन विद्यालयों में बूथ लगा हुआ है वहाँ के BLO वहाँ पर पहुँच कर इस चुनाव संबंधी कार्य में उपस्थित होंगे, अपनी बूथ लगाएंगे, और ये आदेश भी अलीगढ़ BSF ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कल दे दिया है। चलिए अब इस न्यूज में हम आपको आखिरी खबर और बताना चाहेंगे कि 24 सितंबर को इलाहाबाद चलो का नारा लगा रहे हैं आदित्य संघर्षी जी, वह हैं जिन्होंने 68,500 शिक्षक भर्ती में महाघोटाले का उन्होंने अभियान चला रखा है कि इसमें बहुत धांधलीबाजी हुई है, इस परीक्षा को नष्ट होना चाहिए या पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। उनके आदर्श संघर्षी के लिए काफ़ी हैं, और ये वही हैं जिन पर काफ़ी लाठीचार्ज भी वगैरह हुआ था। तो उन्होंने अब 24 सितंबर को इलाहाबाद चलो का नारा लगाते हुए सभी अभ्यर्थियों को जो पीड़ित हैं उनको 24 सितंबर को इलाहाबाद आने के लिए कहा है, और साथ ही साथ आपको इसमें बता दें कि उन्होंने एक 68,500 शिक्षक भर्ती महाघोटाले के पर्चे पूरी जगह छपवा दिए हैं, पर्चे कई शहरों में लगा दिए हैं। इस पर्चे में स्पष्ट तौर पर उनको 24 सितंबर को इलाहाबाद में आने के लिए आमंत्रित किया गया, साथ ही साथ सरकार की 68,500 शिक्षक भर्ती में हो रही गड़बड़ियों की सारे व्याख्या उसमें दे रखा है। आप देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के घोटाले का ये पर्चा जो इन्होंने सभी जो है जगह पर चिपका दिए हैं, लखनऊ में भी ये पर्चे चिपका दिए हैं। तो 24 तारीख को देखते हैं कि कितना धरना प्रदर्शन एक संगठित होकर वहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों ये बस ये थी कुछ खबरें जो आज मैं आपको लेकर आया था, लेकिन और भी खबरें मैं आपको ऐसे ही डेली देता रहूँगा, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बेसिक शिक्षा से जुड़ी ऐसी खबरें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आपको मेरे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है बेल आइकन को ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।